हेलो डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस विद पीएन शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम 21 मई 2020 द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज आई है उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम ओस्लो अकॉर्ड और जो फिलिस्तीन एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में काफ़ी अच्छा एक पूरा कॉम्प्रेहेंसिव वे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उसको आप जरूर देखना। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट स्टडी जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित, तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेल भी हमसे हमें कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 21 मई 2020। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है। M1 ये साइक्लोन, तो अभी इसके बारे में और आना बाकी है, जितने भी न्यूज है अभी चलेगा तो इसके बारे में देखेंगे। जब इस पर एडिटोरियल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तब हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहां पर फर्स्ट नंबर जो पेज है उसके लिए, वो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर है नेपाल्स न्यू पॉलिटिकल मैप अनअसेप्टेबल सेज इंडिया। तो यहां से हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। सेकेंड जो हमारी न्यूज रहेगी वो रहेगी चाइना बेटर प्रिपेयर्ड फॉर पोस्ट कोविड वर्ल्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर वर्किंग सेफ्टी नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर अवर यूपीएससी पर्पज। यहाँ पर डिफेंस के बारे में इन्होंने बोला है कि ग्रेस्पिंग द डिफेंस सेल्फ रिलायंस नेटल। इन्होंने कहा है कि अभी जो हाल ही में डिसीजन लिए गए हैं, निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा है कि हम FDI बढ़ा रहे हैं, FDI बढ़ाने का जो एक उन्होंने डिसीजन लिया है, साथ में कुछ वेपन्स को वो उस कैटेगरी में रखेंगे जहाँ बैन लगाया जाएगा ताकि इंडिया में ही मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके। तो उतने अच्छे पॉइंट्स नहीं थे जनरली, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो, नोट्स बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप जनरली पर्पज में से भी लिख सकते हो कि मेक इन इंडिया का क्या फ़ायदा है, वेपन इंपोर्ट पर अगर बैन लगाते हैं पूरी तरह नहीं कुछ पर तो उसका क्या फ़ायदा है, जब हम ही खुद ही इम्पोर्ट कम करेंगे साथ में उसका प्रोडक्शन यहाँ करेंगे तो हम एक्सपोर्ट भी उन वेपन्स का कर सकते हैं देशों को। तो ये वेपन डिप्लोमेसी भी हम चला सकते हैं कुछ देशों के साथ, साथ में हम वहाँ से जो फॉरेन जो करेंसी है वो भी ले सकते हैं, तो कई प्रकार से वो लाभदायक हमारे लिए बेनिफिट। तो वो सभी पॉइंट्स यहाँ नहीं है, हम खुद के मन से वो अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एन इकोनॉमी, यहाँ से देखेंगे कि कैसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने भी जोड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने कहा है कि डाटा को लेकर प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्या कि इनकम्प्लीट डाटा जब भी रहेगा तो COVID-19 को या और कोई भी डिजीज हो उसको हम जब करेंगे काउंटर करेंगे तो डिफ़िकल्टी रहती है। लेकिन इन्होंने जो यूज की है लैंग्वेज वो पूरी तरह मेडिकल लैंग्वेज है कि जनरली इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, मीन्स इन्होंने अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की होती कि कितने इन्फेक्टेड पीपल हैं, आज अगर कोई किसी को इन्फेक्ट हुआ है तो जब 14 डेज बाद उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं डिजीज़ के वो सभी आते हैं, तो उसमें कितने लोग हैं, उसका कितना दिन लगेगा, इनक्यूबेशन पीरियड में कितने लोग हैं, ये सभी इन्होंने डाटा यूज किया है। तो जस्ट एक हमको सिंपल सा याद रखना है कि विदाउट डाटा, जब तक हमारे पास डाटा सही से नहीं होगा हम कभी भी पॉलिसी सही से नहीं बना सकते, तो ये आप इतना सा याद रखना। यहां पर पेज नंबर 18 यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यू स्कीम फॉर छत्तीसगढ़ फार्मर, ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कोई राज्य नई स्कीम लेकर आते हैं तो अन्य राज्य के किसान भी ऐसी स्कीम्स की डिमांड करते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे कि स्कीम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ओनली 2132 यूज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट जो 14 नंबर का जो हमारा पेज है यहां से
एक थोड़ा सा याद रखना कि कमिटेड टू डील विथ यूएस तालिबान, इन्होंने तालिबान ने कहा कि हम खुद यूएसए से डील करना चाहते हैं, दैट्स गुड। यहां पर अब्बास से इसराइल का जो ओस्लो कोर था उसको नहीं माना जा रहा है, इसराइल एंड ईरान यहां पर बैटल ऑनलाइन हो गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहां पर गोलन हाइट एक दे रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में ओस्लो कोड क्या है इसके बारे में अच्छे से हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स 3 लाख करोड़ फंडिंग फॉर एमएसएमई, तो इसके बारे में देखेंगे कि एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ जो दिए उसका क्या प्रावधान है, क्या वो सिंपली हाथों में ऐसे ही बांट रहे हैं, एनबीएफसी क्या होती है, ये कई बार हम बातें किए हैं, आज भी इस पर डिस्कशन करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो एक म्यूचुअल फंड संबंधित थी, इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया, जस्ट याद रखना कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड क्राइसिस क्या था। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, तो आर्टिकल 19 हम सभी जानते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन, उसके बाद मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये नहीं था। आर्टिकल 21 में हम जनरली देखते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लिबर्टी में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में हमको चॉइसेज भी मिलती है। आर्टिकल 25 ये धर्म से रिलेटेड है, तो राजशादी का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। आर्टिकल 29 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित था, तो ये दोनों तो डायरेक्टली बाहर हो सकते थे, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो फिक्स है, तो आर्टिकल 21 डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहां से इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, आर्टिकल 21। तो डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम 21 मई 2020 इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट द हिंदू के पेज नंबर 1। यहां पर आज लिखा हुआ है कि काला पानी, लिम्पियदुरा एंड लिपि लेक, ये तीनों डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। नेपाल ने हाल ही में अपना एक मैप जारी किया है जिसमें उसने काला पानी, लिम्पियदुरा एंड लिपु लेक इन तीनों को अपने मैप में दिखाया है और इन पर अपना क्लेम जाहिर किया है। अब हम देखेंगे कि जो काला पानी है उसका क्या मामला है। इंडिया क्लेम्स पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, मीन्स इंडिया क्लेम करता है कि पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है, उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है काला पानी। एंड नेपाल क्लेम्स पार्ट ऑफ इट्स धारचूला डिस्ट्रिक्ट, नेपाल भी क्लेम करता है कि ये उसके धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। लिम्पियदुरा ये आगे हम मैप में देखेंगे अभी जस्ट, लिपु लेक ये ट्राई जंक्शन पर है, इंडिया चाइना एंड नेपाल तीनों के ट्राई जंक्शन पर ही है। अब हम मैप देखते हैं एक बार ताकि हमारा क्लियर हो जाए। यहां पर ये मैप है, जब हम इसको देखेंगे तो यहां पर ये नेपाल वाला साइड है नेपाल, एंड ये सभी पूरा ये क्या है इंडिया। यहां पर ये है कालापानी टेरिटरी, इंडिया का पार्ट में कालापानी टेरिटरी कहां है, पिथौरागढ़, ये जो पार्ट है ये उत्तराखंड का पार्ट है पिथौरागढ़, उसी में कालापानी टेरिटरी है। अगर लिपुलेक पास की बात करें, यहां पर लिपुलेक दर्रा, तो ये चाइना एंड इंडिया एंड नेपाल इन तीनों की बाउंड्री के ऊपर क्या है, यहां ट्राई जंक्शन पर क्या है, लिपुलेक पास। हमारे लिए जनरली क्या था कि कैलाश लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील और कैलाश मानसरोवर हमको जाने के लिए क्या चाहिए था, एक रास्ता चाहिए था। पहले हम सिक्किम से होते हुए नाथुला दर्रो से पास होते हुए पूरा चीन से होते हुए आते थे, उसमें काफी टाइम लगता था, और यह है माउंट कैलाश जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एज ए धार्मिक कारणों से। यहां पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए हाल ही में क्या किया इंडिया ने यहां से काला पानी से होते हुए पूरा लिपु लेक जो पास है उससे होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रास्ता बनाया है। तो ये जो काला पानी से इन्होंने रास्ता बनाया है, सड़क बना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो नेपाल का कहना है कि ये मेरे वेस्ट जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में ये जो काला पानी है वो मेरा रीजन है, आप यहां सड़क नहीं बना सकते और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ये आजकल किसका मुद्दा बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया,
और यहां पर जो नेपाल है उसका कहना है कि जो धारचूला जिला है किसका, नेपाल का, मीन्स नेपाल क्लेम्स फोर काला पानी, एंड वो बताता है कि धारचूला, काला पानी इज द पार्ट ऑफ हैज धारचूला डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। यहां पर अगर एक और मैप हम देखें तो यहां पर ये है नेपाल, नेपाल का ये है धारचूला डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्टर्न पार्ट है उसका नेपाल का वो है धारचूला डिस्ट्रिक्ट। और धारचूला के यहां पर महाकाली रिवर, धारचूला डिस्ट्रिक्ट को और इंडिया की जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसके बीच में से एक महाकाली रिवर निकलती है जो इन दोनों को अलग करती है। लेकिन नेपाल इस नदी को एक तरह नेचुरल टेरिटरी नहीं मानता है, मीन्स बाउंड्री नहीं मानता है। उसका कहना है नेपाल का कि महाकाली रिवर के पास में यहां पर जो काला पानी रीजन है वो भी उसी का है। तो यहाँ काला पानी जो रीजन है वो भी उसी का है, ये जो दे रखा है यहाँ पर, यहाँ एग्जैक्टली दिखाया गया काला पानी रीजन। तो ये काला पानी रीजन यहाँ पर है लिपुलेख, लिपुलेख पास, जहां से काला पानी से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट होते हुए, काला पानी से होते हुए डायरेक्ट कहाँ जा रहे थे हम, कैलाश मानसरोवर के लिए। और जो लिम्पी अधूरा है वो जो काला पानी का रीजन है उसका टॉप जो साइड है, टॉप हिल पार्ट है, वो है लिम्पी अधूरा। तो लिम्पी अधूरा, लिपुलेख पास एंड यहां पर काला पानी रीजन, ये तीनों जो पार्ट है इस पर नेपाल जो है अपना अधिकार बताता है। तो ये आप याद रखना, लिम्पी अधूरा, लिपुलेख पास एंड धारचूला डिस्ट्रिक्ट का कौन सा पार्ट, महा पानी, मा काला पानी रीजन। तो ये आप याद रखना, नेपाल, चाइना एंड इंडिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड टॉपिक है चाइना पोस्ट कोविड वर्ल्ड, मीन्स इस कोरोना वायरस के जाने के बाद चाइना कैसा होगा। द हिंदू के पेज नंबर 6 पर है। यहां पर इंडिया के लिए एमएसएमई सेक्टर क्या क्या उन्होंने जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है वो स्टार्ट किए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। चाइना, चाइना क्या है, चाइना ने कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं एनर्जी इंडस्ट्री, इमर्जिंग इंडस्ट्री, जो नई जो आने वाली है टेक्नोलॉजी के साथ, उन सभी के लिए। उसमें अनमैन्ड व्हीकल हो सकते हैं, मानव रहित जितने भी व्हीकल्स बनेंगे, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित, और हाई एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स ऐसे इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस्ड हो, ये सभी रोबोटिक्स पर बेस्ड हो, ये सभी इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, चाइना कर रहा है। और इसने इसके लिए स्टैंडर्ड बना लिए हैं। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में चाइना अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ करेगा, साथ में चाइना और क्या करेगा, स्मार्ट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, मीन्स जो ये टेक्नोलॉजी मैंने बताई अभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सभी में, और ये तीनों पार्ट, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सभी हमारी यूपीएससी के साइंस एंड टेक का पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे। जियोग्राफिकल जो जियोपॉलिटिकल गेन है वो भी इसको बढ़ोतरी मिलेगी। इट मीन्स चाइना को क्या हो रहा है कि चाइना जब से पोस्ट कोविड वर्ल्ड से बाहर निकला है, तो दूसरे देश केवल अपने इस डिजीज को क्योर करने में लगे हुए हैं, और चाइना अपने इंडस्ट्री को वापस से ग्रोथ करवा रहा है। और उस ग्रोथ के द्वारा वहां जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको दूसरे देशों का जो मार्केट है वहां पर जाकर वो एक जियोपॉलिटिकल गेन ले सकता है। फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी, चाइना कोविड-19 के बाद जो ग्लोबल फ्यूचर कनेक्टिविटी है, मीन्स जो संपर्क है भविष्य का, उसको भी खुद के हाथों में पूरा कंप्लीट उसके हाथ में रहेगा, क्योंकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना बहुत बड़ी है, जिसे वन बेल्ट वन रोड परियोजना भी कहते हैं। अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड के बाद, पोस्ट कोविड-19 के बाद वर्ल्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वर्ल्ड के लिए कहा गया है कि मिस विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, मीन्स फाइटो मीन्स प्लांट्स, जितने भी आपके प्लांट्स के लेकर जो सैनिटरी मीन्स सफाई, तो यहाँ पर साफ सफाई, जो प्लांटों का साफ सफाई से संबंधित जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कि प्लांट्स पर पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, इंसेक्टिसाइड नहीं होना चाहिए, ये सभी जो जांच होती है उसको बोलते हैं फाइटो सैनिटरी मेजर्स। तो जनरली क्या होता है, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्रीज के इम्पोर्ट को इस आधार पर बैन कर देते हैं कि उनके फाइटो सैनिटरी मेजर्स अच्छे नहीं हैं, मीन्स उनमें पेस्टिसाइड ज़्यादा लगता है। जैसे इंडिया, इंडिया का जो मैंगो था उसको बग्स के कारण मना कर दिया था, वाइट फ्लाई के कारण,
ये सभी व्हाइट फ्लाई के कारण मना कर दिया था कि इस पर व्हाइट फ्लाई है, इंसेक्टिसाइड काफी यूज किए हैं, तो अल्फांसो मैंगो को मना कर दिया इंपोर्ट करने से अमेरिका ने। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती है, तो हो सकता है फाइटोसैनिटरी मेजर सब वायरस के कारण स्टार्ट हो जाएगी फाइटोसैनिटरी मेजर, तो इससे WTO में जितने भी जो डेवलपिंग कंट्री है उनके निर्यात को नुकसान होगा। उसके अलावा क्या होगा कि जितने भी जैसे अमेरिका बॉर्डर वॉल बना रहा है अमेरिका एंड मैक्सिको बीच में, अमेरिका एंड मैक्सिको बीच में जो बॉर्डर वॉल बन रही है, ऐसी जितनी भी दीवारें कोई बनाएगा या जो कोई भी देश आपस में ऐसे लिमिटेशन करेगा उसको भी एक तरह से ऑथेंटिसिटी या लेजिटिमेसी मिलेगी। ग्लोबलाइजेशन का क्या हाल होगा, ये भी हो सकता है कि ग्लोबलाइजेशन है उसकी रफ्तार क्या हो सकती है, यहाँ कम हो सकती है। न्यू एज रेसिज्म इस नए दौर का नक्सलवाद भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो लिबरल पॉलिसीज थी माइग्रेशन को लेकर रिफ्यूजी को लेकर वो देश अब सतर्क हो जाएंगे, हो सकता है कि अब ऐसी उदार पॉलिसी ना बने। प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवाद को बढ़ावा मिल सकता है, मींस कोविड-19 को एक आधार बनाकर देश जो है वो कई तरह के दूसरे देशों पर बैन लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा जोड़े हैं जो इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस जो पेपर्स थे उनमें सभी में आए हुए हैं। अगेन जो टॉपिक है हेल्थ एंड इकोनॉमी, तो हमारे ऊपर हेल्थ एंड इकोनॉमी कैसे आपस में जुड़ी हुई है, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो एडिटोरियल रहता है उसमें काफ़ी पॉइंट्स रहते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ डाटाज रहते हैं जिनका हम UPSC में उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई रहती है जो पर्सनल व्यूज रहते हैं राइटर के, उन सभी को हम नहीं लिख पाते। हमको हमेशा वो व्यूज रखने हैं, वो डाटा हम लिख सकते हैं एग्जाम में जो सही में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। आप अगर उनके व्यूज को लिखने लगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपके व्यूज से सतर्क सहमत ना हो, तो वही डाटा लिखें, वही लाइंस लिखें जो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो, देश से कनेक्ट हो। रिकमेंडेशन दी है 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या कि स्टेट्स का मेजर रोल रहे किसमें, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने में, साथ में जो पॉवर्टी है इंडिविजुअल इल हेल्थ है उसको खत्म करना भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है, सतत विकास लक्ष्य जो 17 है, इन सभी के बारे में आप याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट पर पॉवर्टी को उठाना, फिर हंगर, सेकंड, थर्ड हेल्थ, फिर एजुकेशन, महिला एंड पुरुष की समानता मीन्स जो ये इनइक्वलिटी है उसको उठाना, उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन, इसके बाद एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद इंडस्ट्री के बाद जो जितना भी होगा उसमें अनइक्विलिटी बढ़ेगी, स्मार्ट सिटीज होनी चाहिए बढ़िया से, कंजप्शन रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लाइफ ऑन वाटर, उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट चेंज, पीस एंड पार्टनरशिप, ये सभी 17 इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको आप याद रखोगे कहीं भी। मैंने एक दिन लेक्चर में बताया भी था और पूरे हमने डिस्कशन भी किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें 2015 में एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा और जिनको हमें पाना है, कब तक अचीव करना है, 2030 तक। तो 2030 तक हमको इसको अचीव करना है, तो उसमें एक जो फर्स्ट नंबर का है वो है पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स, मीन्स जितने भी तरह की पॉवर्टी है उन सभी को, पॉवर्टी कई तरह की हो सकती है, एजुकेशन को लेकर किसी को पॉवर्टी हो सकती है, संपत्ति को लेकर किसी को पॉवर्टी हो सकती है, कोई भी ऐसी पॉवर्टी जो मनुष्य की डिग्निटी को खराब करती हो उन सभी को उठाना इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ कहा गया है कि वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी होगी उतनी हमारी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। यहाँ पर एक हम देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे पढ़ना है, अगर ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमको कैसे याद करना है कि जो वर्क फोर्स अगर हमारी स्वस्थ होगी तो उससे दो फायदे होंगे, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दूसरा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है स्वास्थ्य पर अननेसेसरी, जैसे आयुष्मान भारत में गवर्नमेंट 90,000 करोड़ देती है, तो ये जो एक तरह से फिजिकल डेफिसिट का पार्ट होता है तो वो क्या होगा, कम होगा। तो फिजिकल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट की रेटिंग अच्छी होगी, गवर्नमेंट की रेटिंग अच्छी होगी तो आसानी से बाहर से लोन भी मिल सकता है, साथ में यहाँ पर जब गवर्नमेंट की रेटिंग अच्छी होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अगेन प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ में जब स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मशीन जितने भी आपका
चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार, रोजगार जब बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अगेन उस पैसे का कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, चाहे कंजप्शन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, जब ऐसा होगा तो अगेन हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा गया, यहां पर मैंने अलग से एक पॉइंट जोड़ा कि 65% जो लोग हैं वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं, मींस हेल्थ पर जो खर्चा है वो इतना करते हैं, उसमें उसी के कारण वो किस में फंस जाते हैं, डेब्ट ट्रैप, मींस उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है 65% पॉपुलेशन के पास वो हेल्थ पर खर्चा कर सके, लेकिन अपनी जमीन बेच देते हैं, अपना घर बेच देते हैं, जिसके कारण उन पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो जाता है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो यहां पर छत्तीसगढ़ के द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसमें 13,000 पर एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाएगा। प्रेजेंट में पीएम किसान योजना है, पीएम किसान आप सभी को पता होगा माय डियर फ्रेंड्स, पीएम किसान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 पर ईयर देती है। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई राज्य 13,000 देने लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, और इसके कारण हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़े और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी फिजिकल डेफिसिट बढ़े। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। डायरेक्ट बेनिफिट देने की बजाय हम इतना जो पैसा दे रहे हैं वहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसको परमानेंट ना बनाकर हम टेम्परेरी रखें, और जितना पैसा जो बचे, इतना जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी बजाय हम एग्रीकल्चर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो नहरें हो सकती है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो सकती है, चाहे वो मंडी निर्माण हो सकती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं उनको मजबूत बनाने के लिए इंफ्रा हो सकता है, तो उस इंफ्रा को डेवलपमेंट करने के लिए अगर हम इसको यूज करें तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा। हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बताया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो एक तरह से लोक लुभावनवाद की जो पॉलिसी है उसको तरफ बढ़ेगी, तो ये प्लूरिज्म जो है उसकी तरफ बढ़ेगी, तो जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी है लोक लुभावनवाद की, उसकी तरफ गवर्नमेंट बढ़ेगी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। एमएसपी, आगे हम देखेंगे कि एमएसपी क्या है। इस एडिटो इस जो न्यूज में एमएसपी की बात की गई थी, स्वामीनाथन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्वामीनाथन कमीशन ने क्या कहा था कि 150% मिस आपका अगर 100 रुपये खर्चा हुआ था उसकी जगह आपको 150 मिले खेती में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहां हम इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कहा गया है यहां पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन जारी करता है, सीएसीपी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, तो इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है एमएसपी के लिए, और फाइनल डिसीजन कौन लेता है, सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें 7 सीरियल्स मिस 23 जो एग्रीकल्चर वस्तुएं हैं उनके लिए रिकमेंडेशन देती है, जिसमें 7 सीरियल्स पर्ल मिलेट, रागी, बार्ले, सोरगम, पेडी, वीट एंड मेज, 5 पल्सेज जिसमें ग्राम मिस चना, तुअर, मूंग, उड़द और लेंटिल। रिमेन जो क्रॉप है उसमें ऑयल सीड में ग्राउंडनट मिस मूंगफली, सोरगम, सिसमम, तिल, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइगर सीड और रेप सीड एंड मस्टर्ड, सरसों। 4 कॉमर्शियल क्रॉप है जिसमें कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड जूट, और 2018 में यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशन करता है सीएसीपी उसमें कौन सी क्रॉप शामिल है, तो माय डियर फ्रेंड्स थोड़े से सतर्क रहो। अब देखते हैं एमएसपी किस आधार पर फिक्स होती है। एमएसपी में 2 तरह की कॉस्ट जोड़कर एमएसपी को निर्धारित किया जाता है, एक लेकिन एमएसपी का एक याद रखना कि एमएसपी की रिकमेंडेशन सीएसीपी के द्वारा जारी की जाती है, और फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है, एमएसपी ने बोल दिया कि जो गेहूं की क्रॉप है उसको 2500 रुपए के जो क्विंटल है उसके आधार पर खरीदो, लेकिन सीएसीपी की ये तो रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन कहां जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मीन्स आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल है उसके पास, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीईए ये डिसाइड करता है अब कि 2500 रखे या 2600 करें या 2400 करें, कम या ज्यादा हाथ में इसके रहता है, फाइनल डिसीजन ये लेता है। यूपीएससी में 2016 में भी इससे क्वेश्चन पूछा
जा चुका है कि सीसीईए जो गन्ने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कौन जारी करता है। एमएसपी में दो कॉस्ट आती है, एक A2 एक्चुअल कॉस्ट एंड फैमिली लेबर, दोनों को बोलते हैं एमएसपी A2 प्लस FL। और C2 कॉस्ट में क्या रहती है, रेंटल। यहां पर अगर C2 कॉस्ट भी मिला दें तो C2 कॉस्ट में A2 मिस जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, जैसे फर्टिलाइजर, सीड, उन सभी को, और फैमिली लेबर, फैमिली के द्वारा कितना खर्चा होगा, अगर फैमिली को लेबर के रूप में रखेंगे तो उसका खर्चा, उन सभी को जोड़कर एमएसपी इंडिया में जारी किया जाता है। लेकिन एमएस स्वामीनाथन साहब का कहना था कि C2 कॉस्ट के आधार पर होना चाहिए, जिसमें A2 FL तो है ही। आप जो रेंट लिया है, रेंट पर अगर किसी ने जमीन ली है या इंटरेस्ट पर जो पैसा लिया है उसको भी यहां पर जोड़ो, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा यहां पर है आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हमने पहले कई बार इस पर देखा था कि इसमें दो स्कीम्स एक साथ थी, मींस प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर थे, और सेकेंडरी एंड टर्सरी के लिए इसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो याद रखना, आयुष्मान भारत में दो है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जा रहा है। फैमिली की साइज कुछ भी हो सकती है, लेकिन किसके लिए, जब आप सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, मींस जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो आपको जो खर्चा हुआ है उसका पूरा पैसा कहां से मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये इसको इंप्लीमेंट करती है, और इसका जो अध्यक्ष रहता है वो जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर यूनियन वो रहता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। COVID-19 में कहा गया है कि केवल 2000 केसेज को यहाँ पर क्या किया गया है, 2000 केसेज में इसका उपयोग किया गया है। तो ये बड़ी एक विडंबना है हमारे इंडिया में कि योजनाएं रहती है लेकिन उनका लाभ लोग नहीं उठा पाते हैं, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। गोलन हाइट एंड ओस्लो अकॉर्ड द हिंदू के पेज नंबर 1614 पे आया है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसराइल एंड अरबियन कंट्रीज, MSME, इसके बारे में सिर्फ इतना सा याद रखना है, कई बार हमने MSME डिस्कशन कर चुके हैं। 100% गारंटी कौन देगा यहां पर पैसे की, मींस जो बैंक है, अगर मान लीजिए यहां पर बैंक है और यहां पर कोई भी MSME अगर पैसा लेने आता है तो MSME जो पैसा लेने आएगा तो इसको कोलेट्रल फ्री, मींस कोई संपत्तियां रखना नहीं पड़ेगा गिरवी, और इसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो 100% गारंटी जो देगा वो कौन देगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। जैसे मुद्रा के लिए सीधा पूछ लिया था कि कौन जारी, कौन उसको इंप्लीमेंट कर रहा है मुद्रा को, सिडबी, तो याद रखना। टाइम इसमें 4+1 ईयर मिला है आपको ब्याज चुकाने के लिए, जिसमें 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड है वो, मींस 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा परिपक्व अवधि। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बैंकों के लिए कहा गया है कि 9.25 से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते, ये कैप है, रेस्ट्रिक्शन है, और NBFC 14% से ज़्यादा ब्याज नहीं लेगी। अब है NBFC, हमने कई बार देखा है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन NBFC एंड बैंक, हमने देखा था कि NBFC डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है, मीन्स वहाँ पर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट नाम नहीं खुलवा सकते, जबकि बैंक में हम सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो NBFC टर्म डिपॉजिट ले सकती है, मीन्स मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए उसको पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बीच में हम पैसा नहीं निकलवा सकते। NBFC में क्रेडिट गारंटी योजना नहीं मिलती है, मीन्स NBFC में अगर आपने पैसा जमा कराया डूब जाए तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि बैंक में हमको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। माई डियर फ्रेंड्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मस्ट वॉच वीडियो, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप इसको जरूर शेयर करें। अब हम देखते हैं इसराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी समस्या, बिगेस्ट पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। इस्लाम, क्रिश्चियन, जुडिज्म जेरूसलम में रहते हैं एक साथ, इट मीन्स बट फाइट फॉर रिलीजन नहीं है और फाइट फॉर लैंड है। मीन्स आप ये देखना कि इसराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है। यहाँ कहा जा रहा है कि जेरूसलम जो है, जिसको राजधानी घोषित किया गया है किसकी, इसराइल की, वहाँ पर इस्लाम भी रहते हैं,
क्रिश्चियन भी रहते हैं और ज्यूस भी रहते हैं, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, उनमें आपस में कोई लड़ाई नहीं है। मीन्स ये रिलीजन की लड़ाई नहीं है, ये फाइट फॉर लैंड मीन्स ये जमीन की लड़ाई है। नॉट ऑल मुस्लिम्स आर फिलिस्तीन, नॉट ऑल आर ऑल फिलिस्तीन आर अरब एंड नॉट ऑल अरब आर मुस्लिम्स। तो ये याद रखना, यहां पर किसकी लड़ाई है, लैंड की, जबकि धर्म की नहीं है। अब हम देखते हैं PLO, फिलिस्तीन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2 जून 1964 में इसकी क्या हुई स्थापना। यहां पर हिस्ट्री में अगर देखें हम तो जो फिलिस्तीन है वो ओटोमन एम्पायर टेरिटरी था, कब तक, 1917 तक। हिस्ट्री में अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ये सभी जो रीजन आजकल हम देखते हैं वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे, सभी पीसफुली एक साथ रहते थे। इजराइल नहीं था, नो इजराइल, नो फिलिस्तीन, नो जॉर्डन, नो सीरिया एंड नो तुर्की, मींस ये सभी किसका पार्ट थे, ओटोमन एम्पायर का। तो ओटोमन साम्राज्य का एम्पायर साम्राज्य का ये पार्ट थे, सभी पीसफुली रहते थे। लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम क्या हुआ, 1914 से 1918 के एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ ब्रिटेन के द्वारा, याद रखना इसको, बालफोर डिक्लेरेशन मीन्स बालफोर घोषणा की गई ब्रिटेन के द्वारा कि कब, 2 नवंबर 2017 को, कि जो फिलिस्तीन एरिया है वो हम ज्यूस के लिए बनाएंगे, मीन्स जो यहूदी है उनके लिए एक फिलिस्तीन जो एक रीजन है वो उनके लिए बना देंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भी जो ज्यूस हैं उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी काफ़ी अत्याचार हुए थे। आपने देखा होगा कि हिटलर ने काफ़ी ज्यूस जो यहूदी थे उनको तोप के गोलों के आगे मार दिया था, बहुत सारे लोगों को जला दिया गया था, गैस, जहरीली गैसें के चैम्बर में डाल दिया गया था। यहाँ पर 1920-1930 के बीच में बालफोर जो डिक्लेरेशन था उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस चल गई, क्योंकि 2017 में स्टार्ट इसको घोषणा की गई थी ब्रिटेन के द्वारा, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया और जो पैलेस्टाइन रीजन है उसमें 30% ज्यूस बढ़ गए। अब क्या हुआ, ऐसा बढ़ने के कारण 1930 तक अब आ गया नवंबर 1947 जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद। यूएनओ में क्या हुआ, यूएनओ के अंदर फिलिस्तीन जो था उसके दो इक्वल पार्ट करने की बात हुई कि एक अरब के लिए जो फिलिस्तीन बनेगा, दूसरा यहूदियों के लिए जिसको इजराइल कहा जाएगा। और मई 1948 में इसराइल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया, जो ज्यूस पीपल थे उन्होंने इसी आधार पर, यूएन के इस आधार पर अपने आप को घोषित कर दिया आज़ाद 14 मई 1948 को। रिएक्शन क्या रहा बाय अरबियन कंट्रीज इससे चिढ़ गए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। एक 1947 में यूएनओ का जो डिक्लेरेशन था इसके द्वारा जो ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट इस टाइप से, ये इजराइल वाले पार्ट की घोषणा की गई थी कि यहाँ पर जो यहूदी ज़्यादा रहते हैं इसलिए इसको बनाएंगे इजराइल, बाकी जो खाली पार्ट है वो क्या बनेगा, फिलिस्तीन। सॉरी, ये जो पार्ट है जो ऐसा है ये फिलिस्तीन का पार्ट है, इसको बनाएंगे फिलिस्तीन, बाकी जो खाली पार्ट है उसको इजराइल घोषित किया जाएगा। तो दो पार्टीशन में बात हुई थी 1947 में यूएनओ के द्वारा। लेकिन जब इन्होंने 1947 में अपने इंडिपेंडेंस घोषित किया गया तो 15 मई 1948 से लेकर मार्च 1949 तक अरब एंड इजराइल वार चला। इसमें इजराइल जीत गया और इजराइल ने क्या किया, 70% जो एरिया है फिलिस्तीन का उसको अपने कब्जे में ले लिया। अब आप यहाँ देखो क्या हुआ, इसके बाद जो युद्ध हुआ उसमें इजराइल जो वाइट जो ब्लैंक है, अब यहाँ पर देखो कि केवल जो इजिप्ट का पार्ट है वो बहुत कम हो गया और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था ये भी बहुत कम हो गया, जो फिलिस्तीन जो घोषित किया था यूएन ने 1947 में ये का पार्ट को सिकुड़ गया। इसराइल ने 70% जो पार्ट था फिलिस्तीन का उस पर कब्जा कर लिया और जो फिलिस्तीन के जो लोग थे 7 लाख रिफ्यूजी बने यहाँ से, 7 लाख रिफ्यूजी ने दूसरे देशों में क्या लिया, शरण। और इस पर क्या है, जॉर्डन का कब्जा था, अभी इसने इस पर किसने कब्जा कर लिया, जॉर्डन ने। अब 1967 का वार हुआ जिसमें पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और 1987 तक ये इसी के कब्जे में रहा। हमास जो रहा, अब आ गया हमास, 1987 में हमास बन गया, इसको देखेंगे अब आगे क्या हुआ। यहां पर अगर हम इसको मैप को देखें थोड़ा सा तो फिलिस्तीनियन लॉस ऑफ लैंड 1947 टू प्रेजेंट, देखिए यहां पर
जो व्हाइट व्हाइट कलर है और ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या है? फिलिस्तीन की जमीन। 1947 तक, 1947 में फिलिस्तीन की जमीन थी, और जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है वो क्या है? यहूदी। तो यहूदी केवल इतनी सी जगह में रहते थे पहले। बाद में जो पार्टीशन प्लान आया यूएन के द्वारा 1947 में, इसमें इसराइल की लैंड को, इतना जो व्हाइट व्हाइट रीजन है इसको इसराइल घोषित किया गया कि इसराइल बनाया जाएगा, और जो ग्रीन पार्ट है उसको फिलिस्तीन बनाया जाएगा। लेकिन अगेन क्या हुआ 1967 में, आपको पता है कि वार हुआ और इसराइल ने 75% जो एरिया उस पर फिर कब्जा कर लिया, और फिलिस्तीन सिकुड़कर इतना सा रह गया। और प्रेजेंट में अगर देखें तो प्रेजेंट में माय डियर फ्रेंड्स, इसराइल बढ़ता जा रहा है, और ये जो जितना भी एरिया था फिलिस्तीन वाला, यहाँ पर भी वाइट वाइट बीच में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो यहूदी हैं उनकी बस्तियाँ बसा दी गई किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा। तो अब हालत हो गई है बुरी किसकी? फिलिस्तीन की। नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। तो ये मैप है सैम, यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप ये वाला पार्ट, गाजा स्ट्रिप और छोटा हो गया, गाजा स्ट्रिप, रामलला, जेरूसलम, ये सभी यहाँ पर स्थित हैं। अब देखते हैं स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। यूएन में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1988 में इसने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्वर स्टेट का रेजुलेशन लाया गया 2012 में। इसका एरिया है लगभग 6020 किलोमीटर, जिसमें वेस्ट बैंक में इतना पार्ट है और गाजा स्ट्रिप में इतना। मीन्स जो फिलिस्तीन है केवल वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप तक सिकुड़कर रह गया है। आगे हम देखेंगे कि वेस्ट बैंक कहाँ है। यहाँ पर ये है वेस्ट बैंक, ये है वेस्ट बैंक। यहाँ पर वेस्ट बैंक अब इतना सा रह गया है, जिसमें ग्रीन है वो केवल क्या है? फिलिस्तीन का पार्ट। और यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप है ये छोटा सा पार्ट है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन बहुत सुकड़ के इतना सा रह गया है प्रेजेंट में। अब क्या हुआ, जो आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1947 में, उसमें यूएन ने पार्टीशन प्लान क्या कर दिया? ला दिया। क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अरब एंड ज्यूइश स्टेट एंड इंटरनेशनलाइज्ड जेरूसलम। और जेरूसलम को क्या किया कि ये इंटरनेशनल रूप से इन दोनों को नहीं दिया जाएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया जाएगा। मींस इस पर और किसी का, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो संस्थाएं हैं यूएन, उनका, उनके देखरेख में काम होगा। 1967 में पूरे फिलिस्तीन पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन आपको पता है क्योंकि इसराइल एंड अरब वार हुआ 1947 में, जिसे सिक्स डे वार भी बोलते हैं। ये बहुत डेंजर था। इसमें जो 1967 का वार था, इसमें यहां से वेस्ट बैंक छीन लिया, गाजा स्ट्रिप छीन लिया किससे? इजिप्ट से। और यहां पर गोलन हाइट वो छीन लिया कहां से? सीरिया से। किसने? 1967 का जो सिक्स डे वार था उसमें इन तीनों से छीन लिया। अब क्या हुआ 1988 में, जो फिलिस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था उसका चेयरमैन अराफात, इन्होंने क्लेम किया, प्रोक्लेम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। इन्होंने फिलिस्तीन बनाने की बात की, और एक ओस्लो अकॉर्ड हुआ। ओस्लो अकॉर्ड हुआ 1993 में। इसमें क्या हुआ, फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी बनाई गई टू गवर्न एरिया ए एंड बी इन वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। मीन्स जो वेस्ट बैंक था उसको भी तीन एरिया में बांटा गया। देखो यहां पर वेस्ट बैंक था उसको तीन एरिया में बांटा गया। एक एरिया ए, जहां पर लगभग 18% फिलिस्तीन लोग थे, जो 18% लगभग इजरायली लोग थे, और इसको दिया गया फिलिस्तीन के अंडर में पूरी तरह। एक जगह था जहां पर 22% लोग कहां के थे? इजराइल के। यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने मिलकर काम किया है, मिलकर यहां एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बी जो एरिया बांटा गया, सी जो एरिया है वो पूरी तरह किसके अंडर में है? इजराइल के में। और यहां पर इजराइल सेटलमेंट इसने कर दिया। यहां पर लगभग 1.5 लाख फिलिस्तीन भी रहते हैं। तो वेस्ट बैंक को तीन पार्टों में बांट दिया गया, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। एरिया ए पर फिलिस्तीन पूरी तरह कब्जा है, फिलिस्तीन अथॉरिटी वहां अपना गवर्नेंस करती है। बी में फिलिस्तीन की गवर्नमेंट एंड इसराइल गवर्नमेंट दोनों मिलकर प्रशासन चलाती है, और सी एरिया में केवल इसराइल गवर्नमेंट चलाती। 2007 में जो गाजा स्ट्रिप था उस पर हमास का कब्जा हो गया। आगे जब हम यहां देखें तो इसराइल एंड फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो फिलिस्तीन है यहां पर, इन सिंस ब्रिटिश मैंडेट टर्म फिलिस्तीन यूज किया जाता था,
एसोसिएट जियोग्राफिकल एरिया, मींस जब तक ब्रिटिश मैंडेट के अनुसार, जब तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, ओस्लो अकॉर्ड वगैरह जब नहीं आए थे, ब्रिटिश मैंडेट जब तक नहीं आया था कि हम एक अलग से फिलिस्तीन बनाएंगे, इसराइल बनाएंगे, उससे पहले तक ये जितने भी एरिया थे, चाहे वो स्टेट ऑफ इसराइल हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, गाजा स्ट्रिप, ये सभी किसके पार्ट थे? फिलिस्तीन के। तो आज से पहले जो एरिया था, जो हम आज इसराइल देखते हैं, गाजा स्ट्रिप देखते हैं, वेस्ट बैंक है, गोलन हाइट है, गोलन हाइट सीरिया का पार्ट है, लेकिन ये सभी जो पार्ट है वो किसके पार्ट थे? फिलिस्तीन के। नामो निशान नहीं था इसराइल का, इसराइल को बनाया गया बाद में। तो याद रखना, यहाँ पर इतना सा याद रखना आप कि ये सभी जो रीजन है, यहाँ पर ये गोलन, यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप, ये गोलन हाइट, यहाँ डेड सी है जो जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है, ये जो है यहाँ पर गोलन हाइट है जो छीन लिया गया था किसके द्वारा? इसराइल के द्वारा 1967 में। ये आप याद रखना, गोलन हाइट, यहाँ पर वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेड सी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 एंड 2016, ये क्वेश्चन है 2015 का। गोलन हाइट के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के समाचारों में यदाकदा आता है? तो गोलन हाइट दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया में हम जानते हैं 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, ये सब, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। दक्षिणी पूर्वी एशिया ये भी नहीं है, एशियान देशों में नहीं है, मध्य अफ्रीका में कोई लेना देना नहीं है, तो मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने बढ़ते पहले ही देखा, क्या? फिलिस्तीन एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये क्वेश्चन है 2018 का यूपीएससी प्री का, जिसमें टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन किसके लिए कहा गया है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। और डियर फ्रेंड्स, आपको इसराइल एंड फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बारे में समझाने के लिए कैसा लगा, उस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।